नमस्कार दोस्तों, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल में एग्जाम क्रैकर में। यहाँ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक्सपेक्टेड जीके सेक्शन आने वाला है CHSL टीयर 1 का। जो अभी एग्जाम्स चल रहे हैं, आगे के एग्जाम्स में कैसे पेपर आ सकता है, कौन से क्वेश्चंस किस हिसाब से आ सकते हैं। तो ये जो 25 क्वेश्चन है, ये एक सैम्पल पेपर के हिसाब से हो जाएगा कि ये इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस बनते हैं। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, इस पैटर्न में आ रहे हैं, तो इस पैटर्न को एक बार आप लोग देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो जैसे ही मैं क्वेश्चन में जाऊँगा तो उसको पॉज कर लीजिएगा और उसमें सोचिएगा, और उसका अपना अपना आंसर उसमें अपने हिसाब से सोचिएगा। उसके बाद चेक कीजिएगा आपका आंसर सही है कि नहीं, और जितने आपके मार्क्स आते हैं उसको आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा कि आपके कितने मार्क्स बने। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ओमान, व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ ओमान। और आपके पास ऑप्शन हो जाता है साना साना, रियाद, बाकू, मुस्कात और अबू धाबी। तो आपके पास टाइम है, आप ट्राई कीजिए। आपका ये ओमान का कैपिटल क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है मस्काट। मस्काट इज़ द कैपिटल ऑफ ओमान, मस्काट इज़ द कैपिटल ऑफ ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है मैमल्स रेस्पायर्स बाई, मैमल्स जो है वो सांस कहाँ से लेते हैं। तो आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं गिल्स, ट्रैकिया या स्किन या लंग्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लंग्स, मैमल्स जो है रेस्पायर करते हैं बाई लंग्स। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच इज़ द हाईएस्ट प्लेटू इन इंडिया, विच इज़ द हाईएस्ट, सबसे ऊंचा प्लेटू कौन सा है इन इंडिया में। उसके बाद आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, डेक्कन प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू, लद्दाख प्लेटू या फिर बघेलखंड प्लेटू। तो इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाता है लद्दाख प्लेटू, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है लद्दाख प्लेटू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है द मोती मस्जिद, मोती मस्जिद जो है आगरा में उसको किसने बनाया, किसके रेन में, ड्यूरिंग द बिल्ट ड्यूरिंग द रेन ऑफ, मतलब किसके शासन काल में मोती मस्जिद जो है आगरा में किसके शासन काल में बनाया गया। आपके ऑप्शन हो जाते हैं हुमायूं, शाहजहां, औरंगजेब या शाह आलम टू। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है शाहजहां, शाहजहां के शासन में जो है मोती मस्जिद आगरा में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द साहित्य अकेडमी वॉज फॉर्मली इनोग्रेटेड बाई द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन, मतलब ओवरऑल क्वेश्चन ये बोलना चाहता है साहित्य अकेडमी जो अवार्ड है वो कब से चालू हुआ। आपके ऑप्शन हो जाते हैं 1954, 48, 62, 59, 49, और इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 1954, 1954 इज द करेक्ट आंसर फॉर साहित्य अकेडमी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया साहित्य अकेडमी कब चालू किया, 1954 में चालू किया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो है बॉडी में होता है उसको फंक्शन क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, डिस्ट्रक्शन ऑफ बैक्टीरिया, प्रिवेंशन ऑफ अनेमिया या फिर यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, क्या हो जाता है इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन हो जाता है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा बोला है यहाँ पे, बेकिंग सोडा बोला है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोल सकता है, और भी बहुत सारे हैं जिसके केमिकल के केमिकल कैल्शियम सल्फेट का भी कुछ कुछ रहता है। तो आपका आपके इस क्वेश्चन में बोला है बेकिंग सोडा का पूछा है, तो बेकिंग सोडा का क्या होगा, CaCaOH2 NaHCO3, CaCO3 या फिर Na2CO3। तो बेकिंग सोडा का जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है NaHCO3, NaHCO3 इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर बेकिंग सोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है एक नया क्वेश्चन है, फिजिक्स का क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंडर ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन इसमें यह कह रहा है कि जेरिक कंडीशन, एक जेरिक करके एक कंडीशन होता है, उसको किस चीज़ से मतलब क्यों यूज़ किया जाता है, जेरिक कंडीशन किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, कम टेम्परेचर लो टेम्परेचर के लिए या कम ह्यूमिडिटी लो ह्यूमिडिटी के लिए या हाई एवापोरेशन के लिए या एक्सट्रीम टेम्परेचर के लिए ज़्यादा टेम्परेचर के लिए। तो आपका आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लो ह्यूमिडिटी, क्या हो जाता है, लो ह्यूमिडिटी आपका करेक्ट आंसर हो जाता है जेरिक कंडीशन के लिए। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, हो सकता है कि आगे जो CHSL का है जो प्री का चल रहा है उसमें आगे के जीके के सेक्शन में ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डील्स विद द डिसक्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs, MP और MLA के डिसक्वालिफिकेशन के लिए कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट
को चालू किया गया था, कब चालू किया था, कौन सा अमेंडमेंट एक्ट है इसमें से। आपके ऑप्शन है 42, 52, 62 और 32। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है 52 अमेंडमेंट एक्ट, जो कि डील करता है एमपी और एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपना किससे है, पॉलिटी से ही है। और पॉलिटी का जो क्वेश्चन है वो है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट ऑफ इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। ये इसमें से कौन सा ऑप्शन है जिसमें ये लागू हुआ है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसके ऑप्शन हो जाते हैं आपके आर्टिकल नंबर, आर्टिकल जो है 13(2), आर्टिकल 14, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 17। राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो है ये आपका की पॉइंट रहेगा, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिसने ये आर्टिकल 14 लिखा है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है फेमस कार्टूनिस्ट है, इसमें से एक फेमस कार्टूनिस्ट है जो पास्ट अवे हो गए एट द एज ऑफ 86 रिसेंटली। तो इसका जो इसका इसके ऑप्शंस आपके हो जाते हैं आर के लक्ष्मण और मारियो मिरिंदा और फिर उसके बाद अपना अबू अब्राहम और फिर चंदा लहरी। तो इसका रिसेंटली की बात कर रहा है तो रिसेंटली आपका हो जाता है चंदा लहरी, इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चंदा लहरी जो है कार्टूनिस्ट है जो अभी 86 के एज में अभी अभी रिसेंटली इनका इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये बोल रहा है कि द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF हैज़ रिसेंटली सेलिब्रेटेड इट्स डैश रेजिंग डे। कौन सा नंबर ऑफ रेजिंग डे नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने अभी अभी सेलिब्रेट किया है, 15th या 10th या 13th या फिर 18th या फिर 9th। तो आपका है जो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 13th। 13th राइजिंग डे, 13th रेजिंग डे जो है नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स ने अभी अभी सेलिब्रेट किया, 13th रेजिंग डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है द 11th एडिशन ऑफ बायलेटरल एक्सरसाइज, जो ये सब फालतू है, 11th एडिशन ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। आपका मेन जो की पॉइंट है नसीम अल बहार है, नसीम अल बहार जो है वो एक एक्सरसाइज है किन किन दो देश के बीच में, इंडिया और डैश के बीच में। ये डैश आप लोग को फिल करना है रशिया से या फिर अजरबैजान से या फिर ओमान से या फिर इंडोनेशिया से या फिर यूएई से, इंडिया और किस देश के बीच में नसीम अल बहार जो है एक्सरसाइज है, सी ब्रीज मतलब ये नेवी का होगा, नेवी पानी का एक्सरसाइज जो है वो नसीम अल बहार किन दो देश के बीच में है, इंडिया और किस दूसरे देश के बीच में है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, ओमान। ओमान जो है इसका करेक्ट आंसर है, इंडिया और ओमान के बीच में ही होता है नसीम अल बहर जो है एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है द ओजोन लेयर एब्जॉर्ब्स, जो ओजोन लेयर है वो किस चीज़ कौन से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, इंफ्रारेड रेडिएशन को या माइक्रोवेव्स या फिर रेडियो वेव्स या फिर अल्ट्रा वायलेट रेस। आपके पास चार ऑप्शन हो जाते हैं, ये चारों ऑप्शन में से आपको एक चुनना है जो कि ओजोन लेयर जिसको एब्जॉर्ब करता है, जिसको आने से रोक लेता है, नहीं तो वो अर्थ में अंदर अगर एंट्री कर दिया तो फिर बहुत सारे बीमारी हो सकते हैं, स्किन डिजीज हो सकते हैं, ये बहुत कुछ हो सकता है, तो गलत गलत इफेक्ट्स हो सकते हैं, तो उसके कारण ओजोन लेयर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाता है डी, अल्ट्रा वायलेट रेस, यूवी रेस के नाम से जाना जाता है, अल्ट्रा वायलेट रेस जो है ओजोन लेयर उसको ऑब्जॉर्ब कर लेता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये पासेस के दर्रा जो रहता है पास रहता है उसके उससे रिलेटेड है। तो जोजिला पास जो है वो किन किन दो चीज कौन किन दो जगह को कनेक्ट करता है। तो आपके ऑप्शंस हो जाते हैं नेपाल और तिब्बत, लेह और कारगिल, लेह और श्रीनगर और कश्मीर और तिब्बत। ये आपके चार ऑप्शन हो जाते हैं, चारों में से एक सही है और सही ऑप्शन हो जाता है आपका सी ऑप्शन, सी में जो लेह और श्रीनगर है, लेह और श्रीनगर इज द परफेक्ट करेक्ट आंसर जो है। लेह और श्रीनगर जो है वो जोजिला पास से कनेक्ट होता है, लेह और श्रीनगर को कनेक्ट किया जाता है जोजिला पास से। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि मैथ ये डेज है, डेज का जो क्वेश्चन है वो रेगुलरली हर शिफ्ट में देखा जा रहा है। तो जो डेज का क्वेश्चन है उसमें से ये क्वेश्चन बन सकता है द नेशनल मैथमेटिक्स डे, जो मैथमेटिक्स डे होता है रामानुजम का, नेशनल मैथमेटिक्स डे है वो इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन, नेशनल मैथमेटिक्स डे इज सेलिब्रेटेड इन इंडिया ऑन। आपके पास ऑप्शन हो जाता है 20 दिसंबर, 22 दिसंबर या फिर 24 दिसंबर या फिर 26 दिसंबर या फिर 28 दिसंबर। आपके पास ऑप्शन ये हो जाते हैं और इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है बी, जो कि 22 दिसंबर। 22 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाता है किसके लिए, मैथमेटिक्स डे के लिए, मैथमेटिक्स डे के लिए जो है 22 दिसंबर इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये पॉलिटी से क्वेश्चन है, ये इसमें ये बोल रहा है अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एजुकेशन वाज मेड फंडामेंटल राइट। एजुकेशन को है फंडामेंटल राइट में डाला गया कौन से अमेंडमेंट से, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एजुकेशन को जो है फंडामेंटल राइट में डाला गया कौन से अमेंडमेंट से डाला गया, 83rd अमेंडमेंट। उस 83rd के अमेंडमेंट के दो डेट दिया हुआ, दोनों में से एक सही हो सकता है। और उसके बाद 86th अमेंडमेंट जो है 2002 में दिया हुआ है, और 87th जो अमेंडमेंट है वो 2003 में दिया हुआ है। इसमें इन चारों में से एक करेक्ट आंसर है, इसको आपको बताना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है 86th अमेंडमेंट 2002। 2002 में 86th अमेंडमेंट के थ्रू जो है एजुकेशन को फंडामेंटल राइट्स के अंदर डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बन रहा है वो बन रहा है अपना ज्योग्राफी से। ज्योग्राफी से जो क्वेश्चन बन सकता है वो ये बन सकता है कि विच रिवर इन इंडिया फ्लोस रिफ्ट वैली, इन ए रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली से रिलेटेड कौन सा रिवर है जो रिफ्ट वैली के इंडिया फ्लोस इन ए रिफ्ट वैली, रिफ्ट वैली में जो जो बहता है ऐसा कौन सा रिवर है, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, या फिर कृष्णा, या फिर कावेरी। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है नर्मदा। नर्मदा जो है वो रिफ्ट वैली से होके गुजरती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योग्राफी के हिसाब से। तो ये क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, आ सकता है, ये पिछले साल, ये पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में से कोई भी क्वेश्चन इसको फिर से रिपीट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, सेंसस के अकॉर्डिंग रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेम ऑफ द नेम द कंट्री विच वॉज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सा देश करता है, सिंगापुर, मॉरिशियस, या फिर यूके, फिर ये अपना यूएसए, या फिर जापान। फॉरेन इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा कौन सा करता है, सिंगापुर, मॉरिशियस, यूके, यूएसए, या फिर जापान। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाता है वो हो जाता है मॉरिशियस। मॉरिशियस जो है वो करेक्ट आंसर है फॉरेन इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम लार्जेस्ट सोर्स ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है मॉरिशियस जो है सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स NDRF जो है उसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन है, NDRF के प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल कौन से। अपॉइंटमेंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, अभी अगर अगर करंट में अपॉइंटमेंट हुआ है ये नवंबर के बाद के अपॉइंटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नवंबर से फरवरी के बीच के अपॉइंटमेंट सारे इंपॉर्टेंट है, ये उसी के बीच के अपॉइंटमेंट है। तो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स, नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स NDRF जो है उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, RK जैन, या संजय कुमार, या फिर रवि जोयेश कोकू, या फिर राजीव जैन। तो इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है संजय कुमार। क्या हो जाता है इसका आंसर, संजय कुमार इज द करेक्ट आंसर फॉर डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स। नेक्स्ट ये बोल रहा है ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाता है। ये बायो से रिलेटेड क्वेश्चन क्या हो जाता है अपना, आयरन कंटेंट जो है सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, आयरन कंटेंट जो होता है वो सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, बीन्स में, या एग्स में, अंडे में, या फिर ग्रीन वेजिटेबल हरी सब्जियों में, या फिर मिल्क दूध में। तो आपका इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, ग्रीन वेजिटेबल्स। ग्रीन वेजिटेबल्स पालक वालक हो गया, पालक हो गया, ये सब हो गया, उसमें जो है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, फाउंड मैक्सिमम इन ग्रीन वेजिटेबल। आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, ये भी आपका बायो से रिलेटेड है, विटामिन से रिलेटेड है। विटामिन सी को हम लोग कौन से नाम से जानते हैं, और आपके पास ऑप्शन हो जाते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, या फिर थायमिन, या फिर सिट्रिक एसिड, फिर या फिर आपका टार्टरिक एसिड। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को ही विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है किससे अपना, ये हो गया अपना द इम्पॉर्टेंट मेटल यूज विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। रस्ट फ्री केमिस्ट्री का क्वेश्चन हो गया ये, केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो है इम्पॉर्टेंट मेटल यूज विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री, जो आयरन है उसको रस्ट नहीं लगने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, आयरन को रस्ट नहीं लगने उसके लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं एल्यूमिनियम, कार्बन, या फिर क्रोमियम, या फिर टिन। एल्यूमिनियम, या फिर कार्बन, या फिर क्रोमियम, या टिन हो जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम जो है उसको आयरन में मिलाया जाता है रस्ट फ्री करने के लिए, आयरन को रस्ट ना लगने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कैपिटल से, कैपिटल से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो कैपिटल इंपॉर्टेंट हो जाता है। कैपिटल अभी जो रिसेंट में कोई कंट्री की बात चल रही है तो उसके लिए वो, जैसे श्रीलंका में अभी रिसेंटली इमरजेंसी लगा तो उसका कैपिटल पूछा जा सकता है, लेकिन CHSL में इतना रिसेंट क्वेश्चन नहीं पूछते, थोड़ा सा पीछे का पूछता है। तो लीमा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लीमा इज़ द कैपिटल सिटी ऑफ विच कंट्री। ऑप्शन हो जाते हैं इसराइल, ओमान, सुवा, या पेरू, या फिर कुवैत। और इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाता है पेरू। पेरू की ही कैपिटल जो है वो है लीमा।
नेक्स्ट जो आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है वो है किसान दिवस फार्मर्स डे जो है वो कौन से ये साल में कौन से दिन में मनाया जाता है किसान दिवस फार्मर्स डे। और आपके ऑप्शंस क्या हो जाते हैं 29 दिसंबर, 27 दिसंबर, 23 दिसंबर, 25 दिसंबर और 21 दिसंबर। आपके ऑप्शंस क्या हो जाते हैं किसान दिवस के लिए 29, 27, 23, 25, 21 सारे के सारे दिसंबर में ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपका आंसर जो है वो तो दिसंबर में ही होगा, लेकिन इसमें से जो सही आंसर है वो हो जाता है आपका 23 दिसंबर। 23 दिसंबर को किसान दिवस फार्मर्स डे मनाया जाता है। सो ये क्वेश्चंस हो गए आपके 25 क्वेश्चंस। तो आप लोग को करना क्या है, आप लोग को ये करना है कि आपने आपने जितने भी क्वेश्चंस को सही आंसर किया है उसको आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में डाल के बताना है कि आपको 25 में से कितने सही आंसर हुए हैं। और अगर अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, वो भी देखें कि ये कौन सा क्वेश्चन कितने हिसाब से कौन से सेक्शन से कैसे क्वेश्चन कितना सेक्शन कितने कौन सा सेक्शन इंपॉर्टेंट है, किसको किस सेक्शन से ज़्यादा ही क्वेश्चन आ रहे हैं, किस सेक्शन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।